मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और व्यक्तिगत बोलचाल में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम से कम करिए, क्योंकि आपको बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हर शब्द का अपना एक इतिहास होता है, ऐसे ही अंग्रेजी शब्दों का अपना एक इतिहास है, लेकिन उस इतिहास को जानकर अगर आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको छूट है। बिना जाने अनजाने में आप बोलते रहते हैं वो बहुत खतरनाक है। एक शब्द है जिसको हम कहते हैं मैडम, बहुत खतरनाक है। अगर इसको आप जान लेंगे तो आज के बाद किसी को मैडम कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे आप। हम किसी को भी राह चलती बहन को, मां को, बेटी को मैडम कह देते हैं, और हमारे देश का भला हो बहनों का, वो भी मैडम कहलवाने में गौरव महसूस करती हैं। हमको मैडम कहो। मैडम का अर्थ जान लीजिए, एम ए डी ए एम ई, ये शब्द है मैडम। मूलतः ये फ्रेंच का शब्द है, फ्रेंच में एक शब्द होता है उसका नाम है मादाम, एम ए माने मां और दाम, डी ए एम ई दाम, मां माने मेरा, दाम माने महिला, मेरी महिला, मेरी स्त्री, मेरी औरत, वो है मादाम। फिर वो अंग्रेजी में चला गया, क्योंकि अंग्रेजी वालों ने सारी दुनिया से उधार लिए हुए शब्द सबसे ज्यादा है। अंग्रेजी के मूल शब्द सबसे कम हैं, दुनिया भर की भाषाओं से उधार लेकर खिचड़ी बना रखी है उन्होंने। तो ये मादाम शब्द फ्रेंच से ले लिया, अंग्रेजी में आ गया, जिसका मूल अर्थ है मेरी स्त्री, मेरी महिला, मेरी औरत, उसको आप कह सकते हैं मैडम। अब सारी महिलाएं आपकी हैं, सारी स्त्रियां आपकी हैं, सारी औरतें आपकी हैं, हैं तो बहन के रूप में, हैं तो मां के रूप में, पत्नी के रूप में नहीं हो सकती सारी स्त्रियां सारी महिलाएं। तो गलती से भी कल से किसी को मैडम मत कहिए, मां बोलिए, बहन बोलिए, मां कहिए, बहन कहिए, बेटी कहिए, बेटी कहिए, अगर छोटी है बराबर की है तो आप बहन कहिए, जो कहना है कहिए। भारतीय शब्दों में रिश्ते बिल्कुल स्पष्ट हैं। बहन का रिश्ता एकदम स्पष्ट है, मां का रिश्ता एकदम स्पष्ट है, बेटी का रिश्ता एकदम स्पष्ट है, पत्नी का रिश्ता एकदम स्पष्ट है। इतने स्पष्ट रिश्ते दुनिया के किसी शब्द में नहीं मिलेंगे जो भारत में। मैडम का रिश्ता ही स्पष्ट नहीं है आपको, और हो गया तो कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैडम कहना बंद कर दीजिए, और जो आपके नजदीक में मैडम कहलाने वाली बहनें हैं उनको भी जरा ये बता दीजिए कि आप किस किस की हो सकती हैं, किस की नहीं हो सकती है, तो ये मैडम बंद करें। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।